आज होने वाला है इंडिया 2007 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2007। यस गाइस, T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता था पहला वाला 2007, उसकी टीम और सामने ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड थी तब की, उसके सामने होने वाली है मैच। T10 फॉर्मेट में होगी मैच भाई, ये पॉज करके प्लेइंग लाइनअप देख लेना, मैंने एग्जैक्ट खिलाई है मुझे, मतलब जो मुझे बेस्ट प्लेइंग 11 लगी थी वो तब की। और ऐसे वीडियोज़ यार देखने हो तो कमेंट में बताना यार। और ये तो मुझे पता नहीं भाई, मैंने आज यूट्यूब पे मतलब पुरानी मैच देख रहा था तो मैंने सोचा कि ऐसा वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए। ये देखो भाई, नॉस्टैल्जिया मूवमेंट यार, महेंद्र सिंह धोनी, एडम गिलक्रिस्ट, ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड हेड्स। चलो भाई देखते हैं, और टॉस जीत चुके वो, लेट्स सी क्या लेते हैं भाई। यहाँ पे लोगों को आप देख सकते हो उनकी जर्सी पे। चलो बैटिंग ले लिए, हमको बॉलिंग ही चाहिए थी भाई, मज़ा आने वाला है यार। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, एंड नए हो चैनल पर सब्सक्राइब मार दो भाई, 100 सब्सक्राइबर्स का गोल है। अरे ये कौन सा सेटिंग लग गया भाई, ये बीच बीच में ऐसे सेटिंग क्यों लग जाते हैं, मैं चेंज करके आता हूँ। फील्डिंग मैंने सेट कर दी है, कैमरा सेटिंग्स भी चेंज कर दिए। और पहले बॉल डालने से पहले मैं बताना चाहता हूँ यार, मुझे आपको कोई गेम की वाइब आ रही है क्या? EA स्पोर्ट्स की एक गेम थी भाई, क्रिकेट 07, किसने नहीं खेली होगी भाई वो गेम, सबने खेली होगी, मुझे तो अभी उसकी वाइब आ रही है क्रिकेट 24 में। चलो यार पहला बॉल डालते हैं श्रीशांत एडम गिलक्रिस्ट को, लेट्स सी। ओके पहला बॉल डॉट, एंड भाई मुझे तो पर्सनली ऐसे वीडियोस मैं बनाने चाहूँगा, अगर आपको देखने ऐसे वीडियोस तो ज़रूर से कमेंट करना यार। लेट्स गो गो भाई, बहुत ही बढ़िया। और किस किस को याद है भाई कि जब श्रीशांत ने एडम गिलक्रिस्ट को बोल्ड किया था तब श्रीशांत का रिएक्शन, मतलब ये सब रिलेट कर सकते हैं 2000 किड्स। ओ ग्रेट शॉट, लेकिन पीछे फील्डर है, सो जस्ट अ सिंगल ऑस्ट्रेलिया, और एडम गिलक्रिस्ट ऑफ द मार्क विद अ सिंगल। मैथ्यू हेडन भाई, ये क्या भाई डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन थे, इनकी बैटिंग मुझे ज़बरदस्त लगती थी भाई। चलो भाई दिखा दिया है डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन ने, स्टार्ट कर दिया है डिस्ट्रक्ट करना, पहले बॉल पे फेस करते हुए चौका मार दिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे भाई कि स्टेडियम इतना खाली क्यों है, तो भाई यहाँ पे तो लाइसेंस नहीं है, ये तो मैंने डाउनलोड किया कम्युनिटी में से। एंड यस बाय द वे, रुको ये बॉल डाल के बताता हूँ मैं। ओके सिंगल, हाँ तो मैं बता रहा था, अरे इसका तो कुछ नहीं। अरे भाई ये क्या है ग्लिची गेम, और ग्लिची गेम की वजह से रन आउट में विकेट मिल चुकी है भाई, मैं तो कुछ बताने जा रहा था लेकिन ये रन आउट में विकेट मिल गई मुझे। कौन आउट हुआ है? एडम गिलक्रिस्ट भाई, हमारे फेवरेट प्लेयर आउट होते हुए, एक जमाने के भाई बहुत ही फेवरेट प्लेयर थे मेरे, विकेट कीपिंग भी भाई बहुत ही बढ़िया करते हैं। और लेजेंड रिकी पॉन्टिंग इज हियर गाइज, द लेजेंड रिकी पॉन्टिंग भाई साहब। यस तो मैं कह रहा था भाई कि कम्युनिटी क्रिएशन से डाउनलोड किया मैंने, एंड स्पेशल थैंक्स टू अनमोल जोशी भाई, वो अपनी ज़बरदस्त भाई मतलब मॉड्स बनाते हैं, टीम्स बनाते हैं, तो आपको भी अगर डाउनलोड करनी हो, आप क्रिकेट 24 खेलते हो और ये टीम्स डाउनलोड करनी हो तो अनमोल जोशी डालो यूज़र नेम में, और टीम्स में इंडिया 2007 या ऑस्ट्रेलिया 2007, जो भी आपको टीम डाउनलोड करनी हो डाल सकते हो, आपको अच्छे से अच्छी टीम मिल जाएगी। चलो रिकी पॉन्टिंग को डालते भाई, राउंड द विकेट क्यों गया मैं, चौका पड़ चुका है। रिकी पॉन्टिंग भी स्टार्ट करेंगे बाउंड्री से, लेट्स गो। सेकेंड ओवर डालेंगे भाई आरपी सिंह, चलो भाई तब के लेफ्ट आर्म स्पेशलिस्ट यार, ज़बरदस्त बॉलिंग करते थे ये भी, बहुत ही बढ़िया भाई बहुत ही बढ़िया। एक और आउटस्विंग ट्राई करते हैं मैथ्यू हेडन को, एज, लेकिन भाई फील्डर तक कैरी नहीं हुआ, जरा सा रह गया, और यहाँ पे ओवर थ्रो का रन ले लेंगे भाई। एक अभी ट्राई करते हैं यॉर्कर, मैथ्यू हेडन को इन स्विंगिंग यॉर्कर, फुल टॉस में कन्वर्ट करेंगे, एंड भाई फील्ड का अच्छा इस्तेमाल किया, चौका मिल जाएगा इजीली, डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से, थोड़ा सा अंदर अंदर क्यों नहीं आ रहे, ये बहुत ही बाहर से एंगल मिल रहा है इनको। चलो कोई बात नहीं, लास्ट बॉल ओवर का आउटस्विंग ट्राई करते एक, गुड बॉल गुड बॉल, जस्ट अ सिंगल, अजीत अगरकर, लेट्स गो भाई। अजीत अगरकर आ चुके हैं हमारे अभी के सिलेक्टर, इंडियन टीम के BCCI के सिलेक्टर मतलब, और T10 फॉर्मेट है तो दो ही ओवर मिलेगी सबको, तो अभी ओवर बचा के रखनी है श्रीशांत की और आरपी सिंह की भी,
तो दोनों साइड से बॉलिंग चेंज कर, एक साइड से तो कर दिए मैंने, दूसरी साइड से भी हम बॉलिंग चेंज करेंगे। कट किया है भाई, बहुत ही जबरदस्त कट, पावरफुल शॉट फॉर अ बाउंड्री, और कट भी देख रहे हो एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच से किया है। अजीत अगरकर का फिफ्थ बॉल, क्रॉसिंग योर का ट्राई करते एक स्लोअर आउट। भाई क्या बॉलिंग की है भाई, अजीत अगरकर ओपी का हो जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में, जबरदस्त। और देख रहे हो भाई एमएस धोनी, रिव्यू लेके क्या करोगे हेडन भाई, सीधा प्लम एलबी है। एंड्रू साइमंड्स भाई साहब, किस किस को याद है यार हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स का, मतलब जो भी बैंटर, या बैंटर तो नहीं कहूंगा मैं भाई, जो सब रियल था भाई। बोल्ड भाई साहब, मैं सोच रहा था यार नेक्स्ट ओवर में इरफान पठान की जगह हरभजन सिंह को दूं, लेकिन सीधा भाई बोल्ड कर दिया अजीत अगरकर, क्या बात है भाई। एंड्रू साइमंड्स चलते बने भाई, अपनी अकड़ भाई किसी और को दिखाना यार। ओ भाई जड़ से निकाला और मिलेगा चौका, रिकी पॉन्टिंग। और दूसरे बैट्समैन आ चुके हैं माइकल हसी, मिस्टर क्रिकेट, जिनको मिस्टर क्रिकेट आज की तारीख में भी कहते हैं लोग। अच्छा शॉट पीछे, इस बार फील्डर है, इतना फाइन नहीं खेला था इस बार। रन आउट, अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, क्यों ऐसे, ये एक क्या भाई ग्लिच है क्या ये, क्योंकि बहुत बार होता है मेरे साथ भी ये। मिस्टर क्रिकेट डायमंड डक पे आउट होते हुए, जीरो बॉल जीरो रन्स। माइकल क्लार्क भाई, क्या टीम होती थी यार ऑस्ट्रेलिया की तब की, बहुत ज्यादा बाहर चला गया भाई आरपी सिंह, वापस डालना पड़ेगा एक वाइड भाई, डोमिनेट करती थी ऑस्ट्रेलिया तब, बड़ा शॉट। अरे क्या कर रहे भाई फील्डर, देखो भाई ये बज्जी बाजी, बढ़िया फील्डिंग, हरभजन सिंह इज हियर। अरे यार इनकी स्टाइल भाई, इनकी स्टाइल ऐड नहीं की है भाई, हरभजन सिंह की बॉलिंग में ही उनकी स्टाइल नहीं है। चलो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको ऐसा चाहिए होगा तब मैं इनकी स्टाइल ऐड कर दूंगा इनके बॉलिंग में, इनकी स्टाइल के बिना तो देखने का क्या ही मजा आएगा ना। इसी बीच रिकी पॉन्टिंग का चौका भाई, रिकी पॉन्टिंग जब तक आउट नहीं होंगे तब तक खतरे की घंटी है हमारे लिए, क्योंकि यार ज़बरदस्त, मतलब लेजेंड्स होते हैं ना जो गेम के, उनमें से एक नाम है भाई रिकी पॉन्टिंग। ओवर का लास्ट बॉल, बड़ी हिट लगाई है पीछे, कोई फील्डर नहीं होगा एंड सिक्स। चलो इरफान पठान लेफ्ट आर्म लेजेंड, पहला बॉल बाउंसर का ट्राई, लेकिन मिड विकेट के पास से पुल किया है। अरे रोक लेना था यार अजीत अगरकर, पहले बॉल पे स्वागत किया है चौके से माइकल क्लार्क, इस बार फिर से एक शॉट, दो फील्डर्स के बीच में से एक और बाउंड्री यार, काउंटर अटैक कर रही है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम। चलो ओवर की लास्ट बॉल, स्लो डालते एक, क्या जबरदस्त फ्लिक खेला भाई, एक भी रन नहीं आया, लेकिन ये फ्लिक देखना है मुझे भाई, ये फ्लिक दिखाओ एक बार, देखो यार तुम ये फ्लिक। अरे रुक जा भाई आराम से, ये शॉट देखना है यार, वाह भाई साहब क्या फ्लिक किया है यार, चलो युवराज सिंह को बुलाया है। बढ़िया बॉल, और ये एक्शन क्या है यार, एक्शन देखते हैं भाई। अरे भाई साहब जबरदस्त एक्शन, लेकिन उससे भी जबरदस्त शॉट माइकल क्लार्क, माइकल क्लार्क भाई बहुत ही बढ़िया फॉर्म में लग रहे, एक और बाउंड्री मार देंगे भाई, 19 रन पे 11 बॉल पे, और कॉन्फिडेंस मीटर भी ग्रीन है। ये अच्छा बॉल, पीछे फील्डर होगा तो एक ही रन मिलेगा, और भाई जिसको भी नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, शॉट कैच हो सकता है क्या, नहीं, टाइमिंग इतना अच्छा कैसे कैच होगा, सीधा स्टैंड्स में सिक्स। भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम तो काउंटर अटैक कर रही है, पहली दो तीन ओवर अच्छी गई थी, लेकिन अब 104 मीटर्स की सिक्स, अब वापस आ रहे गेम में, 11 रन आ चुके ओवर का, ओवर में
रिवर्स स्वीप, लेकिन फील्डर के पास जाएगा, सो एक रन। हाँ तो भाई मैं कह रहा था, जिसको भी नहीं पता यार, 2007 T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में हमारे रोहित शर्मा भी थे, जो कि तब ओपन नहीं करते थे, तब नीचे बैटिंग करने आते थे, लेकिन तभी भी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करते थे भाई। छक्का, रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क की पार्टनरशिप बन रही है, ये देखो भाई ज़बरदस्त। इस बार फिर से ऊपर से खेला है क्या, इस बार कैच होगा? नहीं भाई, हिट पे हिट मार रहे हैं और एक भी बॉल मिस टाइम नहीं हो रहा दोनों का। रिकी पॉन्टिंग इज ऑन 37 फ्रॉम 17 डिलीवरीज, वाओ। एक और शॉट, इस बार एलिवेशन नहीं मिला, लेकिन चौका मिल जाएगा यार, कहाँ बॉलिंग करे। 50 पार्टनरशिप हो चुकी है 50 की। लो, अजीत अगरखर को ओवर दिए, अभी तक सिर्फ 4 रन दिए था भाई एक ओवर में और 2 विकेट ली थी और आउट। लेट्स गो भाई, अरे बोल्ड हो गया, मुझे लगा LB है, लेकिन LB भी आउट ही होता। अजीत अगरकर आए, पार्टनरशिप टूटी और रिकी पॉन्टिंग की 50 नहीं होने दी, बहुत ही बढ़िया भाई, रिलीफ मिला यार। ब्रैड हेडन भाई, एक से एक भी ऐसा मेरे को अभी तक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर बताओ जो कि डिस्ट्रक्टिव नहीं हो और जो कि टॉप नॉच फॉर्म में नहीं हो उस टाइम पे, लेकिन अभी तो टॉप फॉर्म में खैर अजीत अगरकर है हमारे। अरे यार गलत बॉल डाला मैंने, कोई बात नहीं, चौका मिल जाएगा। लास्ट ओवर किसको दे यार, किसको नहीं दी हमने, सबको ओवर दे दिए। चलो भाई रोहित शर्मा को देते हैं यार, ये देखो अभी के रोहित शर्मा 2007 की जर्सी में, फील्ड चेंज कर दिए, रोहित शर्मा डालेंगे यार लास्ट ओवर। चलो पहला बॉल तो डॉट निकाल दिया है भाई साहब, क्या शॉट मारा है। 6 रन, 100 अप फॉर ऑस्ट्रेलिया। फ्लाइट डिलीवरी, फिर से सेम रिजल्ट, 6 रन। और मैंने कमेंट्री का वॉल्यूम बहुत ही कम रखा है इन गेम कमेंट्री, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात नोटिस किया आपने, इन गेम कमेंट्री में अभी एडम गिलक्रिस्ट कमेंट्री कर रहे हैं और अभी खेल भी रहे थे वो। चलो इस बार थोड़ा ज़्यादा फ्लाइट कराया था तो डॉट बॉल मिल चुका है, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, बढ़िया बॉल भाई। चलो रोहित शर्मा ने दिए भाई लास्ट ओवर में सिर्फ 12 रन। हाँ हाँ भाई, अच्छी बॉलिंग, लेट्स गो। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स खत्म होती हुई यहाँ पे एंड द टारगेट इज 107 रन्स, 107 रन का यस टारगेट है। और सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर एंड यूसुफ पठान, यार ये ओपनिंग पेयर मतलब 2007 T20 वर्ल्ड कप की मतलब भाई आइकॉनिक ओपनिंग पेयर थी, क्या भाई दोनों बंदे मारते थे हमारी टीम के लिए, बहुत ही अमेजिंग खेलते थे। चलो ब्रेटली भाई सामने, गुड शॉट स्टार्ट किया है, सिंगल, यस, फुल टॉस, अरे भाई लेट्स गो यूसुफ पठान, ओवर कवर, चौका, पहला चौका आ चुका है इंडियन टीम के लिए यूसुफ पठान के बल्ले से। लेट्स गो, ओवर का लास्ट बॉल, 5 रन आया है ओवर में, कट करेंगे लेकिन फील्डर के हाथ में जाएगा एंड्रू साइमंड्स पॉइंट पे। फर्स्ट ओवर गॉन, 6 रन विदाउट अ विकेट। अरे भाई लेजेंडरी स्पिनर ब्रैड हॉग, फुल टॉस और यूसुफ पठान को ऐसे बॉल्स अच्छे लगते हैं भाई, फुल टॉस कन्वर्ट करके, कन्वर्ट तो नहीं कहूँगा, फुल टॉस ही था भाई, बहुत ही बढ़िया पिकअप शॉट, 6 रन। ब्रैड हॉग का स्वागत तो बहुत ही अच्छी तरीके से किया है यूसुफ पठान ने, इस बार हवा में खेला है, अच्छा शॉट कहूँगा या नहीं वो पता नहीं, नहीं कहूँगा भाई, अगर 6 जाता तो मैं कह देता। ब्रैड हॉग ने ज़बरदस्त कमबैक किया है, मैंने सोचा यार ऊपर से निकाल लूँगा लेकिन टाइमिंग इतना अच्छा नहीं हुआ। यूसुफ पठान आउट होते हुए 11 रन पे, एक अच्छी शॉर्ट इनिंग्स कहूँगा। रोबिन उथप्पा, लेट्स गो, इस बार अच्छा कनेक्ट हुआ है, इस बार बढ़िया, ऐसे लालच वाले बॉल दोगे भाई तो मारेंगे, इसमें ही आउट होते, लेकिन ऐसे बॉल्स पे यार फिर वो कंट्रोलर पे है ना यार, वो एक्स नहीं दबता, वो ओ दबता है लॉफ्टेड शॉट का। 91 फ्रॉम 51, पुल कर दिया है, 1 more 6, इस बार तो यार कनेक्शन इससे ज़्यादा तो अच्छा हो ही नहीं सकता। एंड यस आज तो ज़रूर कमेंट करना भाई, शॉट ऑफ द डे, विकेट ऑफ द डे, मोमेंट ऑफ द डे,
क्योंकि ये तो भाई हमारे लेजेंड्स की बात हो गई है। चलो, 4 बॉल में 16 रन। उर्रे भाई, गुगली गुगली डाला यार। अभी भी 82 रन चाहिए 47 में। अभी भी इतना इजी नहीं है टारगेट। इनसाइड बाय यार, आउटसाइड एज और सीधा एडम गिलक्रिस्ट के हाथ में। भाई यार, हमारे बॉलिंग में तो इतना बाउंस नहीं हो रहा था, क्या ही रिव्यू ले भाई। सीधा मतलब ग्लव अड़ाए, ग्लव ही था ना, नहीं बैट था, बैट का आउटसाइड एज। युवराज सिंह, और ये देखो भाई बैट, हीरो होंडा का बैट। किस किस को याद है भाई वो आइकॉनिक 6 बॉल में 6 सिक्सेस। यही T20 वर्ल्ड कप में आए थे इंग्लैंड के सामने। लेकिन इस बार भाई क्यों, मैं क्यों गया ये शॉट खेलने? मैं नीचे से खेल सकता था यार। मैंने भाई, मैंने ये विकेट फेंक दी है भाई मेरी, सही में बता रहा हूँ। चलो, हिटमैन आ चुके हैं। यहाँ पे इंडिया की सिचुएशन क्रिटिकल है। यहाँ से चेस इजी नहीं होगा। वाइड बॉल, रोहित शर्मा द हिटमैन। और हिटमैन तो भाई ऐसे ही खेलेंगे। सिक्स, इतना आगे बॉल, सिर्फ टाइम करना था, पीछे कोई फील्डर नहीं था, कवर के ऊपर 30 यार्ड के ऊपर से मारना था। और ए ब्यूटीफुल सिक्स। चलो, ब्रैड हॉक टू रोहित शर्मा, गुड शॉट, रिस्क फ्री शॉट कहूंगा मैं। ऊपर से मारता, टाइमिंग का अगर इश्यू होता तो फिर कैच हो सकता था, लेकिन रिस्क फ्री शॉट, पीछे फील्डर नहीं था, बस गैप में धकेलना था। और हिटमैन से अच्छा कौन ही कर गया भाई, ये क्या जबरदस्त शॉट मारा है भाई। हाँ, इस बार टाइमिंग अच्छा, और एक और बाउंड्री, मुझे लगा सिक्स, लेकिन एक और बाउंड्री। बहुत ही आगे फुल लेंथ बॉल था, जस्ट टाइम करना था। और भाई टर्न बहुत ही हो रहा है ये पिच पे, क्रैक्स भी दिख रही है ग्राउंड पे। वन मोर गुड शॉट, इस बार चौका नहीं भाई, इस बार 6 लिख लो। यस, लेट्स गो। ब्रैड हॉक की तो भाई बैंड बजाती है, पहली ओवर में बैंड बजाई थी यूसुफ पठान और रॉबिन उथप्पा ने, इस बार बैंड बजाई है हिटमैन ने। गौतम गंभीर भाई 2 बॉल खेले अभी तक। चलो, फिफ्थ बॉल, अच्छा शॉट, अरे गौतम गंभीर के पैर पे लग गया भाई। अरे भाई सीधा, भाई साहब सीधा हेलमेट पे दे दिया। ये देखो भाई गौतम गंभीर, अरे भाई क्या आवाज आया यार। अरे भाई भाई भाई, कंकशन सब, वेर वेर आर यू ब्रो? तब तो कहाँ होता था भाई कंकशन। चलो, करारा जवाब दिया है, हेलमेट पे पटका था बॉल, लेकिन इस बार बैक फुट पुल और 6 रन, और स्टाइलिश पुल यार, ये देखो यार। फिर से मैं रिप्ले भी दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया पुल। गौतम गंभीर नीचे से ऊपर गया है बैट, वेट किया बॉल का, इन स्विंग यॉर्कर को फुल टॉस में कन्वर्ट किया था ना, यस, लो फुल टॉस में कन्वर्ट किया था। और चौका मिलेगा एडम गिलक्रिस्ट। कितनी बार फील्ड सेट करोगे भाई, तीसरी बार कर रहे हो। चलो, गौतम गंभीर 6 बॉल्स 13 रन्स, गुड शॉट, इस बार इतना अच्छा टाइमिंग नहीं कि चौका मिल जाए, सो सिंगल। ओवर में परिवर्तन, भाई नेथन ब्रैकन आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए, लेफ्ट आर्म पेस बॉलर। ऑल राइट, थर्ड मैन के तरफ सिंगल लेके गौतम गंभीर भाई स्ट्राइक रोटेट कर देंगे। 39 ऑफ 28, वेरी गेटेबल स्कोर, यहाँ से बस विकेट नहीं गिरनी चाहिए। और हिटमैन को स्लो डालो, फास्ट डालो भाई, बस एक बार जज कर लिया तो फिर हिटमैन हिट करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। ये देखो स्लोअर बॉल, लेकिन 30 के ऊपर से, 30 यार्ड के ऊपर से चौका। 31 पे खेल रहे, 11 बॉल, फोर्थ बॉल ऑफ दी ओवर, इस बार कनेक्शन। चलो, इतना तो अच्छा है कि फील्डर के हाथ में नहीं जाएगा, 2 रन मिल जाएंगे। फिफ्थ बॉल ऑफ दी ओवर, इस बार कनेक्शन अच्छा है, और इस बार 6 है भाई। इतना एग्रेसिव कभी नहीं देखा यार हमने तो, 2007 में बात कर रहा हूँ, अभी तो खैर बहुत ही एग्रेसिव है रोहित। 50 की पार्टनरशिप भी कंप्लीट होती है, 80 रन्स 3 विकेट। अभी तो भाई 27 ऑफ 25, रन अ बॉल जैसा सिचुएशन हो चुका है। और ऐसे बॉलिंग करते रहोगे तो फिर बहुत ही जल्दी मैच खत्म कर देंगे रोहित शर्मा। नेथन ब्रेकन इज फ्रस्ट्रेटेड। फाइनली फाइनली एंड्रू साइमंड्स आ चुके हैं,
लेकिन यार राउंड विकेट से क्यों डाल रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, अपने को गया भाई। गौतम गंभीर अनदर सिंगल। वो भाई क्या टर्न हुआ है भाई, बीच में चला जाएगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं गया है। दूसरे रन के लिए जा रहे भाई, गलती हो सकती है। हाँ गलती हो गई, कैंसिल करना था रन यार, और गौतम गंभीर रन आउट हो जाएंगे भाई। अरे यार सॉरी गौती भाई, 16 रन नो बॉल, यू प्लेड वेल ब्रो, लेकिन रन आउट मैंने करवाया भाई आपको। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आने वाले भाई महेंद्र सिंह धोनी अपना रीबॉक का बैट लेके भाई साहब। ओरे भाई 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 भाई, बढ़िया बॉल डिफेंस। माइकल क्लार्क बॉलिंग में आया यार सरप्राइजिंगली। महेंद्र सिंह धोनी थाला फॉर अ रीजन यार, पहले बॉल पे 6 रन। इस बार भी बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन कनेक्शन इतना अच्छा नहीं। 15 रन 16 बॉल्स। इस बार कवर के ऊपर से खेला है, 6 रन मिलेंगे क्या? यस मिल जाएंगे यार, धोनी का पावर माँ ही भाई। 9 रन चाहिए 15 बॉल में। एक और सिक्स है क्या? अरे कनेक्शन इतना अच्छा है भाई, मुझे लगा कैच हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी क्या बात है यार। महेंद्र सिंह धोनी 4 बॉल 18 रन। महेंद्र सिंह धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, रवि शास्त्री भाई बोले थे, उनके जैसा तो खैर मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ट्राई किया है। वो 2011 के वर्ल्ड कप में बोले थे और मैं ये मैच में बोलूंगा भाई। महेंद्र सिंह धोनी भाई 5 बॉल में धोनी भाई ने 24 रन मारे यार, और इंडिया सक्सेसफुली और बहुत ही इजीली मैच जीत चुका है 6 विकेट से। देख सकते हो भाई अब मैच समरी, 106 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने। अजीत अगरकर पिक ऑफ बॉलर्स, 3 विकेट। रिकी पॉन्टिंग ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, 21 ऑफ 43। माइकल क्लार्क ने उनका अच्छा साथ दिया था, लेकिन भाई जवाब में इंडिया ने 7.5 ओवर्स में ही चेस कर दिया। रोहित शर्मा 19 बॉल 44 रन्स, एंड महेंद्र सिंह धोनी भाई 5 बॉल में 24 रन। यार नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिया भाई, पूरी मैच नॉस्टैल्जिया थी। मैं ज़रा सा भी ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, आप लोग मुझसे रिलेट कर पाओगे अगर आप वो टाइम से क्रिकेट को देख रहे हो तो। आई वंडर सभी देख रहे होंगे वो टाइम से तो। यस भाई बहुत ही बढ़िया मैच थी। कमेंट में बताओ यार, ज़रूर ज़रूरी है ये भाई ये चीज़, कमेंट में बताओ अगर आपको ऐसी मैचेस चाहिए तो, मतलब जो 2007 2011 ऐसी ऐसी अगर इंडिया के मैचेस चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताओ। मैं सोच रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान का वो फाइनल T20 वर्ल्ड कप 2007 का रिक्रिएट, वो उसको रिक्रिएट करेंगे, वो भी मैं सोच रहा हूँ। अगर वो चाहिए वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई। तो आज का वीडियो बस यही तक ही रखते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर नहीं किया हो अभी तक वीडियो को तो, और नए हो चैनल पे तो एक सब्सक्राइब मार के जाओ भाई, 100 सब्सक्राइबर्स का गोल है, और नए नए वीडियोस आपके पास ज़रूर आ जाएंगे अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा तो। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, ठीक है? तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, बाय बाय।